हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आप लोग तैयार हैं ना एक और ब्लॉग के लिए? तो आप सभी सोचते रहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं लगी हूँ काम में। पहले भी एक ब्लॉग शेयर किया था, और ये देखिए मेरे घर की हालत, आप सारी देखिए। ड्रेसिंग टेबल खाली है, वो बाहर बालकनी में खड़ा है, उसका सामान ऐसे ही पड़ा है, और एक गेट पर ये खुरची जाती है, उसके बाद ना पुट्टी होकर जब पेंट लगता है तो वो सारा यहाँ पर पड़ा है। मैं मतलब आप खुद ही देखना क्या क्या यहाँ पे हो रखा है। ये इस बाथरूम की हालत देखिए, मतलब नहाने के लिए भी ना जब चले जाते हैं ये भैया लोग जो काम कर रहे हैं, तो रात को 10-10:30 बजे ऐसे मुझे नहाना मिलता है। एक दिन तो मैंने वीर को भी उसी टाइम पे नहलाया, क्योंकि वो स्कूल जाता है, तो फिर मुझे लगा कि दिन में कैसे नहलाऊँ, बालकनी खुली रहती है, हवा लगती है, तो और ये गंदा भी बहुत था बाथरूम, तो फिर मैंने रात को ही नहलाया, और मतलब वो मीटर चला के उसके सामने बिठाया। तो ये देखिए मैं थोड़ा ना ये सब ऐसे फैला हुआ है, पेंट वगैरह चल रहा है। ये सोफ़े यहाँ पड़े हैं, 2 सोफ़े बाहर कॉरिडोर में डाल रखे हैं, और ये किचन है। तो ये इनका इस बालकनी में जहाँ वॉशिंग मशीन रहती थी, ये सारा यहाँ पे रखा है पेंट। और ये है ना, ये बाहर चल रही है 26 जनवरी की तैयारी, तो सेलिब्रेशन चल रहा है। और मैं हमेशा हर जगह जाती हूँ, लेकिन इस बार तो बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि नहा के जाते, कुछ अच्छे से होके जाते, और घर में मतलब काम भी चल रहा है, तो कैसे मैं जाती। वीर बहुत रोया कि मुझे जाना है, मुझे सेलिब्रेशन में जाना है, मुझे भी 26 जनवरी बनानी है, तिरंगा लेना है, पर मैं क्या करती। और ये चल रहा है भंडारा, तो फिर मैंने कैसे तैसे उसको समझाया कि बेटा आप स्कूल में ही कर लेना सेलिब्रेशन, मैं क्या करूँ, मैं कैसे नीचे जाऊँगी लेके, हमेशा तो लेके जाती हूँ ना। तो उसको बहुत समझाया, बहुत रोता रहा, पर मैं क्या करूँ। ये देखो ये चल रहा है यहाँ पे भंडारे की तैयारी, हमेशा ऐसे ही सेलिब्रेशन यहाँ पे होता है, बहुत अच्छे से होता है। हमारी सोसाइटी में हर एक फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से होता है, तो यहाँ पे इतना मन लगता है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मन लगता है। और ये देखिए पर्दे भी ना, जो मेरे कर्टन जो उतारे थे, वो मेरी जो पड़ोस में रहती है मेरी फ्रेंड है, उसने धुले कि तुम इतना ही काम करोगी, तुम्हारे जो पर्दे हैं ना सूख जाएंगे, और फिर तुम्हें लगाने रह जाएंगे, नहीं तो मशीन तो तुम्हारी पता नहीं कब लगेगी, और कैसे मतलब रेलिंग वगैरह सूखेगी, पेंट जो होगा तब। तो इतनी हेल्प हो जाती है मेरी, काफ़ी अच्छी अच्छी फ्रेंड है यहाँ पे, तो सपोर्ट मुझे सबका रहता है, लेकिन काम तो सारा खुद ही करना है ना। बेड की हालत देखो आप लोग, जैसे तैसे करके एक बेड फिट कर दिया है, जिस पे कि आराम से कम से लेट तो सकें अगर सोना है तो, बाकी तो सारा घर ऐसे ही हो रखा है। और मैं जल्दी से इसको सबको क्लीन कर दूँगी, बस थोड़ा सा काम और रह गया है, ये भैया किसी तरह काम करके जाएँ और मैं सारा घर क्लीन करूँ, वापस अपने काम पर लगूँ, क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, काम नहीं कर रही हूँ मैं, मेरे चैनल के रिच डाउन हो रही है, आप लोगों के इतने मैसेज आते हैं कि आप ध्यान ही नहीं देते हो, आपने तो बिल्कुल मतलब वीडियो को ऐसे ले लिया है, इतना आसान ले लिया है यूट्यूब को, आप तो प्रोफेशनल वर्क और पर्सनल काम को आपने मिक्स करके रख दिया है, पता नहीं आप लोग क्या क्या बोलते हो भाई, ऐसा नहीं होता। जब काम होता है तो आदमी जब परेशान हो जाता है ना, तो ही ब्रेक लेता है काम से, नहीं तो खुशी नहीं मिलती है ऐसे ब्रेक लेके। मैं खुद परेशान हूँ, इतना सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन सही है ना, घर तो सुंदर हो जाएगा, और फिर आपको एक प्यारा सा ब्लॉग भी तो देखने को मिलेगा ना घर का, फिर जब सारा सुंदर मैं कर दूंगी तो जल्दी ही मिलेगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको ब्लॉग मिल जाएगा। तो आज सिर्फ जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज 27 तारीख है, और बस यहाँ पे 1 घंटे का काम और रह गया है इन भैया का, इसके बाद में सिर्फ मेरा काम है, और मैं पूरी रात करके भी घर साफ कर दूँगी, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। जैसे ही ये काम करके निकले, मैं सारा सामान सेट कर दूँगी, और उसके बाद में पूरी रात मैं काम करती रहूँगी, क्योंकि फ़र्श पे से ना सारा रंग उतारना भी है, जो बड़ी मुश्किलों से उतरेगा। तो बस मैं ये सारा काम करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये दूसरी बालकनी है जिसमें कि रिंग लाइट मैंने खड़ी कर दी है, और अपनी आलू की पलिया है, सारा सामान देखो कैसे बिखर रखा है। और ब्लॉग मैं पता नहीं कब का कब शूट कर रही हूँ, और बाद में ना उन क्लिप्स को ऐड करके आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। जब मैं काम करती हूँ तो फिर मतलब कोई होता ही नहीं मेरे पास कैमरा पकड़ने के लिए, क्योंकि अमित की ड्यूटी भी है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, और कैमरा कैसे पकड़े, कैसे ट्राईपोर्ड पे जगह जगह लगाऊं, तो बस मैं ऐसे वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। बाहर का गेट है जिसकी कि पुट्टी अभी लगी है, ऐसे भी पेंट होगा, तो अब बाहर का काम चल रहा है, इसके बाद में थोड़ा बहुत अंदर का गेट रह जाएगा, ये रह जाएगा। कुल मिला के आज 1 घंटे का इनका काम है, यानी 27 तारीख को सिर्फ 1 घंटे का काम है, और मैं कोशिश करूँगी कि 27 तारीख की रात को ही सारा काम फिनिश कर दूँ, और अगले दिन से टैग चैनल पे वीडियो बनाऊँ।
क्यों, और यहाँ तो मैं बना ही लूँगी, जैसे ब्लॉग भी जा रहे हैं और वैसे भी मतलब वॉइस ओवर करके वीडियो बन जाती है, लेकिन दूसरे चैनल की वाकई ही बड़ी दिक्कत मुझे भी फेस हो रही है। आप लोगों की सुन रही हूँ मैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप में तो घमंड आ गया है, चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो आपको तो अब पड़ी नहीं है, आप क्यों हमारी बातों का अब जवाब दोगे, आप एक एक दिन में रिप्लाई करते हो, दो दो दिन में आप रिप्लाई करते हो। भाई क्या करूँ मैं, आप खुद देखो, ऐसे काम छोड़ के मैं अकेली हूँ, बच्चा छोटा है, अगर वीर बड़ा होता ना फिर भी बहुत सपोर्ट होता कि चलो सेलिब्रेशन हो रहा है नीचे, वीर खुद से खेल के आ जाए, अभी बच्चे को भी देखना होता है, कभी पेंट मिली कभी पेंट में घुस जाता है, कभी कपड़े गंदे करता है, कभी दीवार टच कर देता है, दीवार गीली रहती है तो उसके पीछे भी लगना पड़ता है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं वैदिन टू के साथ आने वाली वीडियो में, बाय बाय।